तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज शर्का मंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। यहां पे गाइस हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ नए कमाल के एक से एक फैंटास्टिक फैंटेबुलस अपडेट्स के बारे में, जो कि हम लोग को पबजी मोबाइल में 0.16.0 के अपडेट में मिलने वाला है। एक से एक अपडेट आ रहे गाइस, मतलब बहुत आफत से आफत अपडेट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एग्जाम जहर अपडेट्स है सबके सब। और गाइस एक और बात आप लोग को बताना था यार, अगर आप लोग को लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है तो फटाफट से यार बेल आइकन दबा दो। मैं डेली रात में 9 बजे के बाद लाइव करता हूँ, तो बेल आइकन दबा दो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा। तो सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी यहाँ पे वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट इनटू दिस। सो गाइस यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जो PUBG मोबाइल का 0.16.0 वर्जन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बीटा वर्जन खेलना है तो आप लोग जाके खेल सकते हो। अभी ये सारी चीज़ें बीटा वर्जन में ऑलरेडी आ चुकी है, और इसका जो ग्लोबल वर्जन में डेट है और कितने एमबी करेगा, कितने साइज करेगा, ये सब मैं आप लोगों को अभी वीडियो के एंड में बता दूंगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की लीक की बात करिए तो हम लोगों को PUBG मोबाइल में एक ऑर्नामेंट्स का एक नया सेट देखने को मिलने वाला है, जो आप लोगों को यार मतलब आप लोग गन में भी लगा सकते हो और बैक पैक वगैरह में भी लगा सकते हो, इवन हेलमेट में भी लगा सकते हो। बट अभी 0.16.0 के अपडेट में आप लोगों को सिर्फ ये बैक पैक के लिए देखने को मिलने वाला है। मतलब ये ऑर्नामेंट टाइप में रहेगा, आपके जैसे हमारा की चैन होता है उस तरीके से आपके बैक पैक पे ये लग जाएगा। ये कुछ उतना खास नहीं है, बट पबजी ने इंक्लूड करा है तो बताना अपना काम है भाई, हम लोग बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये नया हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट अपडेट की बात करी है तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, स्लाइड जो हम लोग होते हैं TDM में, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अभी नया स्लाइड का ऑप्शन आया था, मतलब आप लोग भागते भागते स्लाइड कर सकते हो, तो वो हम लोग मतलब हमें तो काफ़ी सारे लोग यूज़ नहीं करते, मैं भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट हम लोग खेलते खेलते कभी कभी गलती से वो स्लाइड हो जाता है। तो ये नया ऑप्शन आ गया है यहाँ पे स्लाइड का, सेटिंग के अंदर आप लोग जाके उसको डिसेबल कर दोगे तो आप लोग TDM मैच के अंदर स्लाइड नहीं होगे, बस आप लोग क्राउच हो जाओगे, स्लाइड नहीं होगे। तो ये काफ़ी अच्छा नया फीचर है, मेरे लिए तो बहुत काम का फीचर है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना काम का ये वाला फीचर है। तो नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं गाइस, तो नया अपडेट है हमारा ड्रॉप की स्किन को लेके, तो मतलब ड्रॉप नया पूरा चेंज होने वाला है। यस गाइस, नया विंटर के लिए एक नया हम लोग को ड्रॉप देखने को मिलेगा, और क्रिसमस के जैसे क्रिसमस भी आने वाला है तो क्रिसमस को भी लेके हम लोग को नया ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से पूरा चेंज होने वाला है, ड्रॉप का पूरा लुक और स्किन चेंज हो जाएगी, तो ये भी हम लोग को अपडेट में मिलेगा 0.16.0 के अपडेट में। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करी जाए तो वो है वेटिंग लॉबी को लेके, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे ये नई वेटिंग लॉबी आने वाली है हम लोगों को, जो कि पूरा स्नो के में है ये। ओके और ये इससे रिलेटेड एक और अपडेट है आपके लिए, वो है कि सीक्रेट आइलैंड, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे बहुत कमाल की लूट वगैरह होती है, तो अगर आप लोग को वाली वीडियो देखना है तो वो वीडियो ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। ये सीक्रेट आइलैंड आने वाला है, जैसे कि हम आप लोगों को पता होगा यार PUBG मोबाइल के सीजन 4-5 के टाइम में एक स्पॉन आइलैंड टाइप में एक आया था, जो कि यार वो जो आइलैंड था, जो प्लेस थी, वो अलग पूरे रेंगल में कहीं पे भी एक जगह स्पॉन हो जाता था, हम लोग को ढूंढ के जाना पड़ता था। तो वैसे ही ये भी चीज़ आने वाली है आप लोगों को, सेम ये हम लोगों को देखने को मिलने वाला है सीक्रेट आइलैंड टाइप, तो ये भी 0.16.0 के अपडेट में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं यहाँ पे, वो है TDM मोड को लेके। यस गाइस, हम लोग को दो नया TDM, इवन तीन नया TDM मोड देखने को मिलने वाला है PUBG मोबाइल में। एक TDM मैप अल्फा करके एक नया मैप आने वाला है, लेट्स सी यार 0.16.0 के इसमें चांसेस तो नहीं है, बट बीटा वर्जन में इंक्लूड करके इसको तो शायद आ सकता है। और सेकेंड है रेज गेयर मोड एंड रेज गेयर पिकअप मोड, ये दो अलग अलग मोड है, इनका मैंने गेम प्ले भी करा है, तो अगर आप लोग गेम प्ले देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये दो नए मोड आप लोग को देखने को मिलने वाले PUBG मोबाइल के 0.16.0 के अपडेट में। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नया बहुत अच्छा मोड ये वाला अपडेट भी है, TPP टू FPP, मतलब यार ये बहुत दिन से ये भी सुनने में आ रहा था, 0.11 या 0.12 तक सुनने में आ रहा था कि आने वाला है, तो ये फाइनली हम लोग को 0.16.0 के अपडेट में देखने को मिलेगा, जो कि यार है अगर आप लोग नॉर्मल गेम खेलते खेलते अगर आप लोगों को ये FPP में जाना है, TPP खेलते खेलते FPP में जाना है, तो ये बटन आप लोग को मिल जाएगा जिस पर आप लोग एक बार टाइप करोगे डायरेक्टली आप लोग FPP में हो जाओगे। मतलब यार आप लोग को काफ़ी सारे लोगों को सेंसिटिविटी अलग अलग रहती होगी TPP और FPP को सेट करके रखते होंगे, तो वो हिसाब से भी ये बहुत अच्छा मतलब यूज़ में आ सकता है। अब देखना ये है कि लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं अपडेट आने के बाद, तो ये भी काफ़ी सही अपडेट है।
सो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करी जाए तो यहाँ पे एंग्री बर्ड को लेके इवेंट आने वाले हैं। यस गाइस ये भी पुराना अपडेट है, मतलब 0.13 13.5 के पास आने वाला था, बट ये शिफ्ट होके अभी आ रहा है 0.16.0 में। लेकिन इसमें भी अभी एक इशू है, ये शायद इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा ये भी अभी श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसके रिलेटेड इंडिया को लेके इसको आई थिंक सो पबजी लॉन्च नहीं करने वाला है। बट फिर भी मुझे लीक्स मिली है तो मैं बता रहा हूँ, न्यू एंग्री बर्ड का इवेंट्स भी आने वाले हैं, जो मतलब बहुत सारे इवेंट रहेंगे। और इवेंट यहाँ पे कुछ नई स्किन वगैरह भी आएगी, जैसे बैकपैक की, हेलमेट की स्किन, ये सारी स्किन हम लोग को देखने को मिलेगा एंग्री बर्ड के इस वाले इवेंट में। लेट्स सी ये डायरेक्टली 0.16.0 के अपडेट में आता है कि बीच में कोई क्रेट वगैरह ले कोई सीधा इवेंट लेके आ जाएगा पबजी। लेट्स सी मालूम पड़ जाएगा हम लोगों को कुछ दिनों में। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करी जाए तो वो बहुत कमाल का अपडेट है, बहुत औसम अपडेट है। आप लोग यार अगर अभी आप लोग अगर सपोज बैंडेज या कीटी एनर्जी ड्रिंक लगाते हो तो आपको रुक के एक जगह पे खड़े होकर लगाना होगा, ठीक है। लेकिन ये नए अपडेट में आप लोग जो चलते चलते भागते मैं कह सकता हूँ मूव करते हुए आप लोग लगा सकते हो उसको, मतलब एकदम तेज रन करते हुए नहीं बट एकदम स्लो से हम लोग चलते हैं ना, चलते चलते आप लोग अपना बैंडेज वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं बस स्लोली चल रहा हूँ और मेरा बैंडेज लग रहा है, तो इस तरीके से आप लोग पेन किलर बैंडेज वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, बस स्लो चलना होता है। अगर आप लोग तेज चलोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी यार ये काफ़ी काम की चीज़ है, मतलब सर्कल वगैरह पुश कर रहा है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा चलना भी मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है अपने लिए। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग सर्कल से दूर हो तो थोड़ा सा भी मूव करना कितना काम आ सकता है सर्कल के एंड तक पहुँचने में, तो ये काफ़ी सही अपडेट है। नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये वाला अपडेट। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट की बात करी जाए तो यहाँ पे है इस अपडेट के बारे में तो यार आप लोगों को डेफिनेटली शायद पता होगा, नया केबल कार आ चुका है पबजी में, जो कि यार मतलब लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे रहने वाला है केबल कार, जो कि आपको ट्रैवल करने में आसानी हो जाएगी। बट इशू ये है कि भाई इसमें शॉर्ट पड़ेगी बहुत बहुत, मतलब अगर आप लोग मूव कर रहे हो और नीचे यहाँ वहाँ बंदे हैं तो काफ़ी शॉर्ट पड़ने वाली है, तो ये भी काफ़ी सही रहने वाला है। मतलब काफ़ी अलग सीन देखने को मिलेगा जब ऊपर और नीचे वाली फाइट रहेगी, मतलब एनिमी नीचे और आप ऊपर हो तो वो काफ़ी सही फाइट देखने को मिलेगी। इवन फ्रोजन एग वगैरह भी हम लोग को पबजी के नेक्स्ट वाले अपडेट में देखने को मिलने वाला है, और स्नो बोर्डिंग का भी ऑप्शन हम लोग को मिलने वाला है, जो कि यार स्नो बोर्डिंग आप लोगों को पता होगा जो वो ट्रिकी गेम अगर आप लोगों ने खेला होगा प्ले स्टेशन का, तो उसमें जो स्नो बोर्डिंग होती है वो हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बस आपको स्नो प्लेस पे जाना है और वहाँ पे स्नोबोर्ड का एक खुद ही ऑप्शन बन के आ जाएगा, आपको इस पे टैप करना है और आप लोग स्नोबोर्ड आपके पास होगा, आप लोग फिर स्नोबोर्डिंग कर सकते हो। लेकिन स्नोबोर्डिंग सिर्फ स्नो के आस एरिया में होगी, आप उससे बाहर जाएंगे तो स्नो अपने आप हट जाएगा, मतलब बोर्ड अपने आप हट जाएगा, तो इस तरीके से स्नोबोर्डिंग काम करेगा। ओके गाइस तो यहाँ पे मैंने आपको सारी ए टू जेड जितनी भी अपडेट लीक्स है जो हम लोग को नया इस अपडेट में देखने को मिलने वाला है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इवन आप लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलने वाली है, जो कि यार मतलब एक नया आने वाला है, ये अजीब सा मतलब ये लोगों ने टाइल्स में बना दिया है, और इसमें जो भी मतलब सीज़न हमारा 9, 8, 7 जो भी हमारा जा चुका है उसके सारे आइटम्स ये लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाने सोचा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ऊपर आई बटन में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके और गाइस अभी मैं आगे आपको गेम प्ले शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा गेम प्ले है 0.16.0 का, तो आप लोग गेम प्ले देख सकते हो। अभी यहाँ पे रिलीज डेट और साइज़ की बात करी जाए कितना साइज़ आने वाला है, तो जिसका रिलीज डेट है पबजी मोबाइल का 0.16.0 ग्लोबल वर्जन में हम लोग को मिलेगा 11 दिसंबर को, तो हम लोग को फाइनली 11 दिसंबर को एक ग्लोबल वर्जन में देखने को मिल जाएगा। और ये तकरीबन 600 MB का अपडेट रहेगा, यस गाइस काफ़ी बड़ा अपडेट लग रहा है ये। लेट्स सी, पहले से ये गेम 4 GB का है, फिर थोड़ी सी फाइल हटेगी तो तकरीबन 4.2 या 3 GB का ये गेम हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा होगा ये गेम, धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ओके सो ये थी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। फटाफट से यार ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। सो गाइस थैंक्स वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। और एक छोटा सा गेम प्ले शेयर कर रहा हूँ, देख लो 0.16.0 के अपडेट से रिलेटेड है।